तो क्या तेजरन टूट जाएगा? तो क्या तेजरन, जो कि बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, वो अलग हो जाएगा? आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आखिरकार ऐसी अटकलें क्यों लगा रहे हैं फैंस, फैंस आखिरकार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं एक जरूर इंपॉर्टेंट बात, जो कि जुड़ी हुई है तेजरन से, यानी कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा से। दोस्तों ये बात तो हम जानते ही हैं कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा दोनों इस वक्त प्यार में हैं और दोनों ही बाहर आकर एक नई जिंदगी शुरुआत करेंगे, ये भी हमें पता है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा और ट्विस्ट ये जो होने वाला है, ये तेजरन को लेकर होने वाला है, उनकी लाइफ को, उनकी जिंदगी को लेकर होने वाला है। दरअसल आपको बताना चाहता हूं कि जब से तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच में झगड़ा हुआ है, जब से जो दोनों जो हैं वो अलग अलग हुए थे और प्लस वो पूरा मग फोड़ने वाला वो जो किस्सा हुआ था, तो भाई बाहर भी उनकी फैमिलीज आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही है। करण कुंद्रा की बहन, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात बताई थी, उन्होंने एक रिएक्शन दिया था। उन्होंने बोला था कि करण अपनी डिग्निटी तू किसी के आगे लूज मत कर, राइट, किसी यानी कि तेजस्वी प्रकाश के। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो यहां पर करण कुंद्रा की दीदी जो ये बात बोल रही है और प्लस वो तेजू के अगेंस्ट, तेजस्वी के अगेंस्ट जो भी कुछ ऐसे नेगेटिव ट्वीट्स होते हैं ना, वो उनको रिट्वीट करती रहती हैं। तो ऐसे में यहां पर प्रतीक, जो कि तेजस्वी का भाई है, उसने उन्हें अनफॉलो कर दिया है। जी हाँ, दीदी को अनफॉलो कर दिया है, और पहले कर रहे थे प्रतीक, बट अभी अनफॉलो कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, जो उन्होंने बात बोली। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कमेंट किया है दीदी ने, कि करण कुंद्रा की जो बहन है, उन्होंने ये भी कहा है कि कोई मुझे करे अनफॉलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है नेगेटिविटी दूर रहे। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या है कहना, जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। मुझे इजाजत दो यारो, मैं चलता हूं और खबरें लेकर आता हूं।